राणा जोगिंदर राणा तो चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पर है। हाँ जी। पहले पे कौन है? पहले तो जिलराम आओ या गोगी आओ, दोनों अमत आ सकता है। ठीक है, खुले वोटा जीत रहे हैं। खुले वोटा जीत, खुले वोटा है। कितने की जीत हो जाएगी? कम 10,000 की तो जीत लेके चाल उसकी। 10,000 की जीत? हाँ, 17-3 वोटा जीते था पहला, कम 10,000 की पहले जीता था 17-3 से। हमारे तो जी मध्य मराठा मन में लेकिन इसकी किस्मत में भी कोनी नहीं। नहीं बेशक नहीं हो जी, मतलब मैं आम तो आम दे नहीं को अभी एक जुट तो निकल लो। हाँ हाँ। जब मतलब कल्पनता गल मतलब मैं हम लायक करूँ तो मोल दिखा दिया मारा मोल को दिखा किशन भी, फिर हम तो मारे लहर उठे गया जी। मैं हम तो मराठा जी आंदे वांगे वोट। अच्छा, पक्के जी हम तो बस। मराठे कितने वोट लगे? हमारी तो मैं एक हो जी, हमारा तो पास है। नहीं फिर भी पूछो बेची गया केला गई सरकार बदलेगी हरियाणा में? बदलो आप ठीक रहेगी, बदलाव ठीक रहेगा। हाँ बदलाव ठीक रहेगा, इन न्यू बेरा पट जाएगा। अक भाई थर तक गलती कड़त हुई पब्लिक क्या अंतर उसी थर तक। हाँ, के गलत काम हुए वैसे सरकार में कुछ गिना होगे? सारे गलत से और के गलत न पानी तिशाई मरण दाई रेड है। हाँ। और कुछ रोजगार नहीं जाक जाली मारे। हमने तो बल्कि कुआं फूक नाला भी कोई रहा, वहाँ जाकर से बोर्ड काय भी नहीं सकते। कंध ये भी हमने तो किराए पर लाने पड़ेंगे, किराए पर लाने पड़ेंगे। आपका बेटा भी जा रहा है? हाँ जा रहा है। बेटा जा रहा है? हाँ बेटा, बेटा जा रहा है। हाँ जी, थोड़ा जोश में बोलियो, बताओ किसका माहौल हल्के में? हल्के में जी यहाँ से असंत हल्के में गोगी का है। गोगी का है, शमशेर गोगी का। ये कारण है उसका माहौल इसका, ये बताओ। असंत हल्के के गाँव जोड़ीखेड़ा में हूँ और राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने असंध हल्के से अपनी चुनाव प्रचार शुरू किया। असंध में उनकी रैली थी और असंध हल्के से अभी कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, शैलजा गुट से हैं और बड़े चर्चित हैं और उनके बयान बड़े चर्चाओं में रहते हैं। और आज हम एक रैंडम सर्वे असंध हल्के का करने आए हैं कि क्या हल्के का माहौल है, क्या दूसरी बार शमशेर सिंह गोगी जीत पाएंगे। और 10 साल की खट्टर की सरकार रही, नायब सैनी सरकार रही 6 महीने की, उसके प्रति लोगों का क्या मानना है। और यहाँ जोड़ीखेड़ा गांव के बस अड्डा कहें हम, यहाँ बस स्टैंड है, मैं कहूँगा यहाँ दिखाएं एक बार। और यहाँ गांव के लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे कि असंध हल्के का मूड क्या है, किन मुद्दों के आधार पर गांव के लोग वोट देने जा रहे हैं, राहुल गांधी ने असंध हल्के से ही अपनी चुनाव प्रचार यात्रा क्यों शुरू की और किस तरह का ये पूरे हरियाणा का सियासी मूड देख रहे हैं, कितनी सीटें कांग्रेस की आने जा रही हैं, कितनी भारतीय जनता पार्टी की। अब बात करते हैं मुद्दों के आधार पर भी बात करेंगे किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। जी नमस्ते। नमस्कार। नाम बताओ अपना? राममेर जी। राममेर जी, किस तरह का माहौल असंध हल्के का बताओ है? असंध का तो गोगी का माहौल है, गोगी का कांग्रेस वाले का है। अच्छा, और बीजेपी का योगेंद्र राणा है? योगेंद्र राणा जिला अध्यक्ष भी है शायद यहाँ के करनाल के ना, उनका किस तरह का है? कुछ नहीं उनका यहाँ कुछ नहीं। अच्छा, गोगी का क्या कारण है कांग्रेस का? बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है। और इसका बढ़िया है एक बयान भी बड़ा चर्चा में आया 3-4 दिन पहले। ओ कुछ नहीं, वो तो सीधा पदरा बयान लिखड़ जाग रहेगा। अच्छा, देसी मानस है? देसी सही टॉप का। टॉप का है। अच्छा, खुले वोटा जीत रहे हैं? खुले वोटा जीत, खुले वोटा है। कितने की जीत हो जाएगी? कम 10,000 की तो जीत लेके चाल उसकी। 10,000 की जीत? हाँ, 17-3 वोटा जीते था पहला, कम 10,000 की पहले जीता था 17-3 से। ओके, क्या कारण है इतनी बंपर जीत का? कांग्रेस की लहर चल रही है। लहर है? हाँ। हल्के में भी है फल? अच्छा, ये जो करनाल जिला है आपका गांव, तो ये जिला तो 10 साल स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट रहा है, मुख्यमंत्री जिला रहा है, तो उसका असर कौन दिखा है? खट्टर इस जिले का मुख्यमंत्री रहा, फिर नायब सैनी रहा। हमारे गांव में तो कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं 10 साल में? कुछ नहीं, कुछ सुविधा नहीं आई है। किस तरह का राज मानते रहे आप? मानते हो, नाम बताओ पहले अपना। बलबीर सिंह। बलबीर जी, बताओ ये खट्टर का 9.5 साल का नायब सैनी का राज कैसा रहा? कुछ नहीं जी, हमारे गांव में तो कुछ काम नहीं करे इन्हें। हमारे गांव में तो पानी भी सारे गलियां में पानी को नहीं, वाटर सप्लाई का। अच्छा, बहुत ही बुरा हाल है। तो फिर ना कोई रोजगार दिया 10 साल में, नहीं एक भी कुछ नहीं करे हमारे गांव में तो। अच्छा, तो फिर पानी फिर मटके सिर पर ले आए महिलाएं? मटके अपने नलके ला रहे, हारों का पानी मोल ले रोज का 20 रुपये कैंपर। अच्छा, गांव में भी कैंपर से पानी ले रहे? कैंपर से पानी ले रहे, 3 गाड़ी पानी की है। अच्छा जी। हाँ जी, 3 गाड़ी की। ये दिखाओ भाई कैंपर, ये कैंपर रखे हैं यहाँ पर। और गांव में भी ये बहुत बुरा हाल है, शहर में तो मतलब कैंपर अभी हम देखते हैं कि दुकानों पे रखे जाते हैं। अरे है? 3 गाड़ी गांव में पानी की है। 3 गाड़ी पानी की डेली। ठीक है, किन मुद्दे क्या हैं इस चुनाव के, मतलब कांग्रेस को हटाना
आना लेके आना है, बीजेपी को हटाना है, या कोई मुद्दे हैं खास जिसके आधार पर लोग वोट करेंगे? बीजेपी को तो कोई पसंद नहीं करता, बीजेपी तो बिल्कुल खूनी ही उड़ता। अच्छा, हाँ, क्या कारण है, क्यों? दुनिया बदलाव चाह है, बदलाव जरूरी है। कांग्रेस ने फिर भी पहले भी काम करे हैं, और मारा तो गांव में पंडित जिलेराम जितने काम कर गया है, नहीं सबके दुख सुख का आदमी है, दुख में सुख में अगले का निखड़ा पावा है। अच्छा, हाँ जी। और अब तो जिलेराम शर्मा शायद निर्दलीय है? निर्दलीय है जी, निर्दलीय है। हाँ। किस तरह मुकाबला देखो फिर हल्के में? मुकाबला टक्कर है जी, तीनों आदमी की सबसे ज्यादा फिलहाल जिलेराम चल रहे हैं। जिलेराम चल रहे? हाँ जी, जिलेराम शर्मा और बीजेपी का योगेंद्र राणा। योगेंद्र राणा तो चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पर? हाँ, पहले पे कौन है? पहले तो जिलेराम आओ या गोगी आओ, दोनों हमें आ सकता है। ठीक है। हाँ, तीसरा पे? तीसरा नरेंद्र गोपाल। नरेंद्र नरेंद्र का लड़का है गोपाल, बीएसपी का, इनेलो और बीएसपी का गठबंधन का, गठबंधन तो बीजेपी वाला चौथा बजा होगा। बीजेपी वाला चौथे नंबर, इतनी बुरी हाल हो जाएगी तो? बुरा हाल के करे कुछ नहीं, जो यू बख्शीश था इसने नहीं गांव में आके फट गया, ईब कांग्रेस में जाएगा बैठ गया, सब बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, ठीक है, चलो और बात करेंगे। सबका इतना दुख सुख का आदमी है, अरे एक आदमी उसके बार में चले जाओ, किसे तो मना नहीं, चाहे वोट दे चाहे ना दे, सबसे मिलनसार आदमी। कांग्रेस में रहा अभी? कांग्रेस में रहा है, फिर बीजेपी में भी चला गया था। हाँ। कांग्रेस तो उसकी टिकट की मना हुई थी। हाँ। फिर टिकट खट्टर ने उसकी टिकट पक्की करके तो कांग्रेस या बीजेपी ज्वाइन करी थी। हाँ। ये बीजेपी भी वो धोखा देगी, यू खट्टर साहब भी है। अपना पैसा में टिकट बेच दी। अच्छा, सब हरेक आदमी की न्यूज च्वाइस थी भी जिलेराम बनेगा, खुली जीत है, इसके मुकाबले में कोई है नहीं। ठीक है, लेकिन ये भी खट्टर ने सोच ली सरकार तो आने नहीं, अपना पैसे बना ले। अच्छा, कोई 20 करोड़ में कर या कोई 15 करोड़ में कर, ऐसे पैसे में टिकट भेज दी। अच्छा जी, चलो। हाँ। बहुत बड़ा खुलासा ये कर रहा है, आप कमेंट्स करके बताएं कि क्या असलियत में ऐसा है। नाम बताओ जी अपना। गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी, क्या काम करते हो? ओजरी का है? ओजरी का कैसा काम चल रहा है? कुछ फेल अपना। फेल है? अच्छा, दाड़ी तो लिख जानती होगी? ना, बहुत ज़्यादा नहीं, बुरा ही नहीं, कम में नहीं। अच्छा, कैसी सरकार चाह रहे हो फिर? बीजेपी तो ठीक लगी भैया। बीजेपी कांग्रेस ही आओगी? कांग्रेस आओगी। 5 साल में 5,000 नौकरी गांव में मिलियन जाओ नहीं। हाँ। तो गांव में बेरोजगारी खत्म हो जाए। हाँ। जिलेराम ने 5 नौकरी मारे गांव में दे दी, सारी बरादरी हमें को दे ही है। हाँ। न्यूनी भाई एक ही बरादरी का काम करे हो, अरे ना तो कभी नौकरी के बारे में तो जमा ठप रहे हैं, कड़ी कोई पूछा ही नहीं, कोई पूछा नहीं। हाँ। अच्छा, एक और बताओ, जोड़ी गाँव से बच्चे बहुत जा लिए बाहर, तो काम तो हनके करेंगे फिर? है? काम मिला के करेंगे, भूखे मरेंगे, बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा। हाँ, किला बेचे लिकट दे पर। ठीक है, कांग्रेस से क्यों उम्मीद है? शायद चांस है, भी कांग्रेस को काम अच्छे करेगी। अच्छे करेगी ये नायब सीनियर खट्टर की सरकार? कोई फायदा नहीं सर, कोई फायदा नहीं रहा, कोई अच्छे काम गिनाओ इस सरकार ने कुछ करे हो। सब तो बड़ी समस्या पानी की है गाँव में। हाँ। रोजगार की है, कुछ भी नहीं करा इन्हें, फिर के सुविधा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है, है इसमें दम? इन्हें तो भ्रष्टाचार दूना फैलाया है, पहले तो लुकमा चुपमा थोड़ी बहुत रिश्वत चल लिया करती, इन्हें तो सरेआम कोई से महकमे में चला जा, सब पैसा गला काम है। अच्छा, सारे गरीब आदमी सब के हाथ में इतने कागज दे रखे हैं, दफ्तर में जाओ कल ना आइए परसों ना आइए, सब अपनी दिहाड़ी छोड़ छोड़ कर जावा है और खर्चा कर का 100-200 का, गरीब आदमी अनपढ़ आदमी क्या ही का पता नहीं, सब बचाया कर रखे इन्हें कागज रख जा। लगे इस सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ कुछ? नहीं, ज्यादा बढ़िया जी, बढ़िया है। किस किस तरह का भ्रष्टाचार? ये तबादलों का, ये तो काम ना, जैसे तबादलों का एक बड़ा सिस्टम होता था, पैसे दे के लोग तबादले करवाते थे दफ्तरों में काम, आजकल तहसील में बड़ा एक भ्रष्टाचार रहता था, आपने कहा रजिस्ट्री भी ऑनलाइन की, ये तो सारी इस तरह के दावे कर रहे हैं बीजेपी वाले तो। सारा श्रद्धा गुजरात का लिया दर दिया हुआ है, अफसर सारे गुजरात के बिठाई दिए जी, रह गया क्या फिर हुआ? एक मारे फिरनी देखो जब उसका जमा बुरा हाल है। अच्छा, जमा खत्म फिरनी, सबसे मेन चीज गांव में फिरनी हुआ है, आदमी कहीं से वही इतने 10 साल खड्डे पड़े हैं, चौड़ा चढ़ रहा, पानी चढ़ रहा उसके 10 साल से वो नहीं बनी है। एक बदली खातर सीएम साहब था नायब सैनी था, 2 बार एप्लीकेशन दे ली और वह बदली नहीं कराया इसके, और नौकरी तो कहाँ से देगा? ठीक है, मैंने दी है खुद। अच्छा, चलो और बात करेंगे, आप अपना नाम बता दो। क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, कितनी उम्र होगी? 70-75। खूब उम्र काट गया आप तो, ये भी फिट पड़े हो बिल्कुल। अच्छा बताओ, आपने तो ये सारे देवीलाल बंसीलाल भजनलाल देखे होंगे, कौन सा बढ़िया था इनमें? देवीलाल था।
देवलाल बढ़िया था बढ़िया आदमी था उन्होंने तो कोई सी सरकार भी नहीं बचते रह सकते। अच्छा हाँ और पेंशन 100 रुपये शुरू की थी 3,000 पहुंच गई। हाँ जी हाँ हाँ 3,000 तो ताड़ा लाने में पहुंच गई। अच्छा वो बनने का मरिया कह जाए 500 बढ़ा दूंगा 600 बढ़ा दूंगा 3,000 पर लड़ाई दी। अच्छा हाँ देवीलाल की तो सरकार ने बेचनी है नहीं कोई। अरे 6,000 होगी अब कहें हो भी ताड़े ताड़ा लग रहे तो। हाँ ठीक है चलो खट्टर का राज की साख था। खट्टर का राज कुछ नहीं था जी जो राजे ही हैं इनका राज बूंडा तो कोई करिया नहीं करता भी। हाँ। ये छोटा थबका ही करे बूंडा तो काम ना करे ना करण दे ना सिख्यात करा आगे जी बड़े आदमी पे जाके बस आप अपनी मन मर्जी के कोड ले और गोज मंगा ले और जा उस जगह तेरा काम और नन जानना है थी। गाँव में बड़का नौकरी मिली कोई नौकरी नहीं ना ना। अच्छा कोई सरकार ने और ये जो ईमानदारी का एक कम है कि जमीन बेच बेच बड़े देशों में चले गए बच्चे कितने बड़े जाले होंगे गाँव में गाँव में जा रहे हो गए 150-200 जा रहे 150-200 गाँव में। हाँ अच्छा जमीन बेच बेच गए जी और घर का तो रोजगार नहीं था कोई नौकरी नहीं लेना नहीं पैसा नहीं लेना नहीं देना नहीं तो नौकरी को नहीं इसीलिए गए होंगे फिर। हाँ कोई 3 किले बेच गया कोई 4 बेच गया ठीक है कोई 2 बेच गया। केला गई सरकार बदलेगी हरियाणा में बदलो अब ठीक रहेगी बदलाव ठीक रहेगा। हाँ बदलाव ठीक रहेगा इन नन्यों बेरा पट जाएगा अक भाई थर तक गलती कड़त हुई पब्लिक क्या अंतर उसी थर तक। हाँ क्या क्या गलत काम हुए वैसे सरकार में कुछ गिना होगे सारे गलत और के गलत ने पानी तिशाई मरण दाई रेड है। हाँ और कुछ रोजगार नहीं जाक जाली मारे हमने तो बल्क कुआ फूकने वाला भी कोई रहा जाक से बुढ़ का भी नहीं सकते कंध ये भी हमने तो किराए पर लाने पड़ेगे किराए पर लाने पड़ेगे। आपका बेटा जा रहा है जा रहा है बेटा जा रहा है बेटा बेटा जा रहा है। हाँ और पोते पोते आडे पड़ा है पोते आडे पड़े हैं। हाँ अच्छा तो छोरों ने याद तो आंदी होगी बाबू की। हाँ वो तो याद का के बनाया इन फोन नाम देख ले शकल वो मारी देख ले वो अपने दिखा दे बस कुछ नहीं। कै साल हो गए गए ने गए न 8-10 साल हो गए 8-10 साल हो गए वापस नहीं आए एक बार भी ना, ना। अच्छा पक्का ही कुछ नहीं होया पक्का कुछ नहीं होया है ना। और पोता कै साल का हो रहा है पोता 14-15 साल का हो रहा है 14-15 साल तो जब तो बहुत छोटा रहा होगा उसका बाबू गया जब तो। हाँ तो ये तो वो तो बाबू की शिकल भी कोई पहचान उसने देखी थी ना ना है ना। अच्छा कुछ नहीं देखा तो पीछे तो भेजता गया फिर उड़ता है बस लून वाला खर्चा चल रहा है महंगा वाड़ा इतना है। अच्छा खर्चा तो भेज दे है। काम में कोई नहीं ये कच्चा है कच्चा है। हाँ। अमेरिका में है अमेरिका में ठीक है तो दो याद तो आंदा हो गया याद तो अभी याद का बना के भी कभी जानते नहीं आंदे नहीं फोन में दिखा दे मूर्ति अपने तस्वीर उसका जी करे आने का जी तो करे उसका आने का कै लाख रुपये दे के गया था कै लाख के 55 लाख रुपया दे के मर पत्र लिया भी नहीं उन्हें गरीब ने कुछ। अच्छा चाहे पैसे नहीं लिया लेकिन यहाँ तो शुरू में तो दे के गया। हाँ दे गया। अच्छा चलो फिर राजनीति पर बात करांगे यो नायब सैनी बदलिया था इसने बड़ी घोषणाएं करी इसका कुछ असर पड़ेगा इस चुनाव में मन तो कुछ नहीं लगता दिखता आसार इसका कितनी सीट मानो कांग्रेस की आवेंगी कि बेरा जी जोर तो पब्लिक का कांग्रेस पे ही हो रहा है जोर कांग्रेस पे हो रहा है। हाँ हाँ अच्छा बीजेपी जावा है। हाँ जावा जावा है अब नाम बता दो के है दीप सिंह जी। दीप सिंह जी बैठ जाओ थोड़ा ठीक से आप बताओ किस तरह का माहौल है लोगों की बीजेपी से नाराजगी है जैसे सबने बताया क्यों है कितनी है बस विदेश हम भी खेती करो हो। हाँ खेती करो खेती की खेती वालों के लिए सरकार किस तरह गिरी कि फसल के भाव उठे कुछ नहीं रही कड़ी खार छानी कड़ी दवाई छानी धक्कम धक्कम देख रहे जी। अच्छा हाँ और ये कौन थे हम किसाना की आमदनी डबल करांगे हुई ना जी कुछ नहीं हुई कुछ नहीं होया डबल डबल है ना जी और खाद महंगे हुए हैं खाद महंगे हुए जी। अच्छा ये जो खेती के और साधन थे और उपकरण थे उन पे भी GST लगा शायद पहली बार इस सरकार में। हाँ जी हाँ कि मैं कमाई बताओ खेती में कितनी हो जाए बस कुछ नहीं कमाई कमाई बस नहीं अपन धक्कम धक्कम दे फिर हाँ जाड़ी जुड़ी कर लिया वहाँ सरकार बदलना चाहो कि भाजपा की सरकार चाहो हट गए बस सरकार तो कांग्रेस से ही कांग्रेस ठीक है। हाँ बदलना चाहो सरकार बदल रहा हूँ। अच्छा चलो एक दो और साथी उनसे बात करेंगे आप बताओ क्या नाम है सतपाल जी आप बताओ किसका मूड हल्का है
देखो जी ब्लॉक तो मतलब कोई खास तंत्र नहीं, तो सारे एक सार से लाग गए। अच्छा क्यों जितने गांव में भी मतलब कैंडिडेट आओ नहीं सारा नहीं दिखा, एक बार माहौल दिखाओ। हाँ। कल जिले राम आ यहाँ से लेकर छपाल लग मतलब 35 कार मतलब पब्लिक दिखाई। ठीक है आज मतलब महाराज जो मराठा जी आए। हाँ। कोई किसी मतलब माँ में 10-20 आदमी जो अपने बिरादरी के थे वहीं वहीं इकट्ठे। हाँ। उन्होंने मतलब माहौल भी नहीं किया। मराठा जी कौन से? मराठा जी वीरेंद्र मराठा। वीरेंद्र मराठा जो आजाद से खड़े हैं। अच्छा निर्दलीय है वे? हाँ, वो निर्दलीय है। जिन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़े। हाँ 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 ठीक है। आया जी वो अपने उसके बाप ने मतलब बहुत बढ़िया काम करवा रखे हैं। वो भी नहीं सोचा भाई अंतिम में बढ़िया काम करवा दी महाराजा जी मराठा मन में बैठे। लेकिन इसकी किस्मत में भी कोई नहीं नहीं बेशक नहीं हो जी मतलब हम तो नहीं अभी एकजुट तो निकल लो जब मतलब कल्पनता गल मतलब हम लाइक करूँ तो माहौल दिखा दिया मारा माहौल को दिखा किशन भी फिर हम तो मारे लहर उठे गया हम तो मराठा जी आंदे वांगे वोट। अच्छा पक्के जी हम तो बस मराठे कितने वोट हल्का चाहे हमारे जमा एक हो जी मारा तो पास है। नहीं फिर भी पूछो मराठे वोट कितने हल्का में? हल्के में तो वोट बतेरे हैं जी 30,000 वोट हमारे रोड रोड आगे। अच्छा। और फिर हमारे घर और बिरादरी भी है। अच्छा महाराजा जी मराठा जी पक्का बस जिंदाबाद मराठा ने वोट दे बिल्कुल देवांगे जी। वो किसे का लागो आजाद उम्मीदवार है या बातों ने पहला कही है जो भी सरकार आओगे मैं उसमें मिलूंगा। अच्छा NCP का ले ले और राजा है किस्म का हम तो उसके वोट दे पार्टी का। हाँ जी हाँ जी ठीक है हम तो उसके वोट दे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। हाँ जी हम तो पक्के हाँ जी पक्के हम भी नाम नहीं कर सकते जी सारे रोड उसके बिल्कुल हैं जी बिल्कुल फिलहाल तो है नुकसान किसने होगा बीजेपी ने 10-20 रुख रूस रहे है रूस रहे हैं भाई माम कल ने सरपंच उठांगे पंडता का लाग लिया कल अपना गांव के वोट लेने वो अगली सोच रहे हैं। हाँ। वो भी नहीं सोच रहे भाई हम मराठा जी आगे कैसे पंचावा। हाँ। मारे तो विचार ऐसे तो इस असंध लक्के में मराठों के रोडों के कितने वोट हैं? बहुत है जी बहुत ज्यादा है। नहीं बताओ तो 10,000, 5,000, 20,000 कितने वोट होंगे भाई मेरे रा मेरे मराठा तो यू है रोडा के आपने कितने वोट होंगे? 32,000 रोडा के वोट तो ये मिल जाएंगे के सारे मराठे में सारे नहीं मिला कर दे जी। अच्छा। मतलब कोशिश चलो वैसे माहौल किसका लगा है हरियाणा में सरकार किसकी आने जा रही है? बस वो बिन्यो को है जी वो नहीं है ये राणा जी है भाई उसकी टक्कर में है बस। अच्छा मराठा जी फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है या बीजेपी हैट्रिक लाएगी? लेकिन बीजेपी ने कोई नुकसान तो कौन करा जी। अच्छा। वैसे वो मतलब चाहवा नहीं सरकार तो नहीं बदल लो बदल लो। हाँ। पर बीजेपी ने कोई नुकसान तो कौन करा ये तो बहुत फायदा करी है। अच्छा क्या फायदा करे या फायदा नहीं करे जी अपना पढ़ो अपना पढ़ाई बेस पर अपना नौकरी ले नौकरी तो रही है को नहीं नौकरी तो बड़ा तो बेरोजगार फिर है ना जी नंबर कभी बेरोजगारी है इसीलिए तो डोंकी से बाहर जाना जी जो पढ़ाई है नहीं पढ़ाई कभी मतलब खत्म नहीं करी जानती जो पढ़ाई बेस मतलब लागे लागेंगे बच्चे तो सारे कौशल में भर दिए नौकरी तो दिए को नहीं नौकरी नौकरी बात दो बाहर के इतने आदमी लगा रखे हटाए जाओगे अपने भारत भारत के भारत में नौकरी कर लेंगे आपने जरूरी कोई अमेरिका भेजने। अच्छा भारत के भारत में रहूं जाएंगे अरे कितना काम कर लेना काम करने वाला चाहिए नौकरी देंदे तो कोनी फिर वाला नौकरी बाद दो मिल जाएंगे जी आप। अच्छा। आप और आपने आप आदमी ना आप ऊपर पंचा हो चलो ठीक है कुछ और एक साथी और रह गए इनसे बात करांगे नाम बताओ अपना क्या है जी सुरेश सुरेश जी थोड़ा जोश में बोलियो बताओ किसका माहौल हल्का में हल्के में जी यहाँ से असंध हल्के में गोगी का है शमशेर गोगी का ये कारण है उसका माहौल इसका ये बताओ प्यार ही इतना है। अच्छा पाछो बनिया कांग्रेस में ही रह गई भाग्या नहीं हाँ। ना भागने के कारण उसका माहौल बन गया। ठीक है और शैलजा गुट से शैलजा बिल्कुल खासम खास है। हाँ जी सर तो यहाँ तो जैसे हुड्डा गुट के समर्थक सारे देवेंगे। हाँ जी कांग्रेस एकजुट है कांग्रेस एकजुट है। ठीक है और करनाल जिले के हालात बताओ पूरे करनाल के बेरा है किस तरह मूड पूरे करनाल जिले का? पूरे करनाल जिले का मूड देखो बीजेपी में जो इन क्रिया थे जो MLA जो बन गया तो बन गया वो सिर्फ MLA ही रहा है। अच्छा उसके पास न्यूज आने में एक बालक ने लगवाया बोले भाई ये नहीं मेरिट के हिसाब से बच्चा अपने आप लगेगा जिसकी मेरिट होगी MLA आप बन गई। तब मेरिट के आधार पर नौकरियाँ मिली है? नहीं मिली कौन मिले तो ये बात जो बिना पर्ची बिना खर्ची के इसमें कि दम है कौशल में ठोक दिए 16,000 रुपये ले दिए 3 महीने रख लिए फिर दबाई दिए। अच्छा ठीक है चलो इस हल्के की जैसे दूसरी सीटें बताओ करनाल से सुमिता सिंह हैं और इनके जो जगमोहन हैं जगमोहन आनंद देखो भी सुमिता सिंह का ही माहौल है सुमिता सिंह का माहौल है करनाल। ठीक है और उसके बाद नीलोखेड़ी में नीलोखेड़ी में तो जी वो धर्मपाल गुंदर एक धर्मपाल गुंदर हाँ उसका ठीक है उसका भी दोनों अगर फाइट सी चलेगी फाइट सी चलेगी। और इंद्री में राम कुमार कश्यप है और राकेश कंबोज उनके बारे में उधर नहीं है है कुछ ही पूरे करनाल जिले की सभी सीटों की जानकारी? हाँ जी बताओ असंध में मुकाबला किस चीज़ के बीच रहा होगा? असंध में इनका तीनों का मुकाबला जी शमशेर सिंह गोगी हाँ। पंडित जिले राम शर्मा ठीक है और नरेंद्र राणा ठीक है। और उसके बाद इंद्री में इंद्री में तो राकेश कंबोज का मौत रहेगा कांग्रेस वाला है जीतेगा हाँ जीतेगा। ठीक है और करनाल में? करनाल में सुमिता सिंह जीतेगी सुमिता सिंह हाँ जी। तो ये 10 साल CM सिटी रही है करनाल हाँ उसके बाद भी बस बाहर है घोषणा घोषणा करी जी ने कर ही नहीं कुछ भी। अच्छा खाली घोषणा तो कर बना
करनाल हमने स्मार्ट सिटी बना दी, बदल दी करनाल। कुछ नहीं बनाया, करनाल तो पहले स्मार्ट सिटी थी कांग्रेस के राज में, इन्हें तो करे कुछ नहीं, कांग्रेस का आ गया तो और चमका दे। बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा यदि करनाल में भाजपा आएगी तो। करनाल में तो हरी पड़ी है जी, हरी पड़ी है, खुद सीएम ने खतरा है जी हारने का तो, लाडवा में, लाडवा में। अच्छा हाँ, उसने खतरा है, नायब सैनी ने, नायब सैनी ने, वो टक्कर है कांटे की जी, नहीं पता कौन बन गया, मेवा सिंह की, मेवा सिंह की उसकी। ठीक है, और नीलोखेड़ी का बताओ। नीलोखेड़ी में ये धर्मपाल गोंदर है, धर्मपाल गोंदर है। हाँ जी, कबीरपंथी का कोई मोल नहीं वहाँ, कोई भगवान दास कबीरपंथी को नहीं है ना जी। क्या सीट है करनाल हल्का में? सीट है पांच, पांचवी कौन सी रहेगी? पांचवी ग्रोंडा रहेगी। हाँ ग्रोंडा रहेगी, ग्रोंडा में किसका मोल है? ग्रोंडा में तो भी टक्कर है जी, राजो है वीरेंद्र राठौर और अरविंद कल्याण। अच्छा, और कांग्रेस का कौन है वहाँ ग्रोंडा से? वीरेंद्र राठौर। हाँ वीरेंद्र राठौर है, ये राहुल गांधी कोटे से, अभी राहुल घोगड़ी पुराए थे उस दिन, उनके फार्म पे भी रुके थे। कैसा है वीरेंद्र राठौर का? वीरेंद्र राठौर ठीक बंदा है जी, शायद दूसरी तीसरी बार टिकट मिली, जीता नहीं अब तक, जीता नहीं है, अब की बार भी टक्कर है जी, जीतने की तो कह नहीं सकते। अरविंद कल्याण भी बड़ी आदमी है, अरविंद कल्याण बीजेपी का, बीजेपी का वो आदमी, जो आदमी बढ़िया होगा तो बढ़िया ही कहा जाओगे। ये तो अरविंद कल्याण तो शायद ऑन हैट्रिक है इस बार, तीसरी बार, तीसरी बार, दो बार लगातार जीत लिया, दो बार लगातार, लेकिन इस बार मुकाबले में फंस रहा है, मुकाबले में फंस रहा है। ठीक है, पूरे हरियाणा में किसका माहौल देखो आप? हरियाणा में तो जी बदलाव जारी, पब्लिक बदलाव जारी है, बदलाव जारी है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल, कांग्रेस के पक्ष में है। चलो ठीक है, लेकिन संत की सीट जिलाराम 100% काटेगा, संत की सीट है, जिलाराम के समर्थक हो पक्के आप? नहीं, हम तो समर्थक तो कांग्रेस में भी थे और फिर पार्टी मारी तो जिलाराम में पार्टी है, जिलाराम में सब कुछ, हम तो उसके साथ हाँ पूरा माहौल है, कल उरे कम से कम 1000 तो मोटरसाइकिल थी, गंगा टेढ़ी अड्डे दूर तक बीच में कोई रहा नहीं था, पूरा माहौल है, पूरा माहौल था भाई। जो जिलाराम शर्मा है लडवा से तोलिया है, ये जिलाराम शर्मा जी हरियाणा में जमानत जब्त होने के बावजूद भी विधायक बन गए थे, है ना? जितने कैंडिडेट थे सबकी जमानत जब्त, सबकी जमानत जब्त हुई थी, इसकी यो विधायक बना था उस टाइम, ये था चुनाव 2009 से 14 तक, 9 से 14, 2009 से 14 जब शायद अचका की टिकट थी इनके पास, अचका की थी, अचका की नहीं, हरियाणा से नहीं, कांग्रेस। हाँ 2009 के चुनाव में बजनलाल ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, हरियाणा जनित कांग्रेस, और हरियाणा जनित कांग्रेस के कैंडिडेट थे यहाँ से पंडित जिलाराम शर्मा, और एक यहाँ से ये जीते थे, साथ में नीलोखेड़ी से जीते थे राकेश कंबोज, नीलोखेड़ी से जीते थे उस समय राकेश कंबोज भी, कंबोज जीता था ना उस समय, जीता था ना, जीता था, मुझे ध्यान नहीं है, जीता था, जीते था, दो जीते थे करनाल से, दो जीते थे जी, बजनलाल सीएम नहीं बना, नहीं वो ब्लॉक इस्तीफा देगा था, उपचुनाव हुआ था दोबारा। ठीक है, ओके, और जहाँ तक मैं याददाश्त वो रिवाइव कर रहा हूँ, तो जिलाराम शर्मा उस इलेक्शन में बड़ा रोचक मुकाबला होया 2009 में, सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई और बड़ा कांटे का मुकाबला था, और जमानत जब्त होने के बावजूद भी जिलाराम शर्मा विधायक बने, बड़ा चर्चा का विषय रहा। और असंध हल्के में हैं, असंध हल्के से राहुल गांधी ने अपना राजनीतिक अभियान हरियाणा में प्रचार का, रैलियों का अभियान शुरू किया, असंध में बड़ी रैली हुई और बड़े मुद्दे उठाए, राहुल ने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप करने जा रही है। उसके बाद बरवाड़ा में जनसभा हुई, कुमारी शैलजा पहली बार राहुल गांधी के साथ प्रचार में उतरी और वहाँ सारे कांग्रेसी एक मंच पर एकजुट हुए और लोगों में एक जोश था जो कि पहले मोदी की दो रैलियों में हमें देखने को नहीं मिला। और उसके बाद मोदी अब हिसार में आने जा रहे हैं, हिसार की रैली कैसी है? हिसार में हमने दौरा किया, वहाँ लोगों ने यह कहा कि वहाँ मुकाबला सावित्री जिंदल वर्सेज कांग्रेस के रामनिवास राडा के बीच में है, बीजेपी के कमल गुप्ता जो मंत्री हैं वो तीसरे नंबर पर रहेंगे, यानी कि मोदी का असर हिसार रैली में भी हमें कम दिखाई दे रहा है, जैसी वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है। आप अपने कमेंट्स करके बताएं कि हरियाणा का सियासी माहौल क्या है, किसकी सरकार बनने जा रही है, और जिस तरह से ज़्यादातर हमने जो रैंडमली सर्वे हुआ है, मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि सभी लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, यहाँ लोगों का ज़्यादातर ये मानना है। कमेंट्स करें, मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।